हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सा ये कॉटन की ड्रेस। ये देखिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है, और हमने बहुत ही अच्छे से फ्रिल वाली ड्रेस बनाई है देखिए। और हमारे कान्हा जी की कैप भी देखिए बहुत ही अच्छे से इनको फिट आ गई है। ड्रेस हमने बनाई है फ्रेंड्स 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए। आप ये ड्रेस 4 नंबर और 5 नंबर दोनों कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे सभी वीडियो से नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज की ड्रेस हम बनाएंगे इस तरीके से कपड़े से। ये हमारा कॉटन का कपड़ा, देखिए इसकी हम देख लेते हैं चौड़ाई हमने कितनी ली है। इसकी चौड़ाई लिए फ्रेंड्स हमने 4 इंच की। और ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है, इसकी लंबाई देखिए हमारी ये 11 इंच है, और ये कपड़ा है डबल फोल्ड, तो ये हो गई टोटल हमारी 22 इंच इसकी लंबाई। 4 इंच चौड़ा है और 22 इंच हमारा कपड़ा लंबा है। इसके बाद हमें देखिए इसमें क्या करना है। इसके बाद हम इस कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे, और इसको हम इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड करेंगे लंबाई में। ये देखिए, इतना करने के बाद हम यहाँ पर एक एक पहले सिलाई लगा लेंगे। पूरे कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके हमें यहाँ पे पहले एक सिलाई लगानी है फ्रेंड्स। बिल्कुल किनारी से हम एक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम पहले इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद देखिए, हमें यहाँ पे इस तरीके का मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, बिल्कुल हमारा लाइट कलर। देखिए ये मैंने 2 इंच चौड़ा लिया है, और इसकी लंबाई आप जितनी इस कपड़े की लंबाई है इससे आप डबल से ज़्यादा ही रखें, क्योंकि हमें इसकी फ्रिल्स बनानी है। ये देखिए हमारा यहाँ पे, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, मेजर करती हूँ एक बार। ये फ्रेंड्स हमारा 56 इंच का हमारा कम से कम कपड़ा है। हम इसमें काफ़ी गहरी गहरी फ्रिल डालेंगे। देखिए 28 इंच है, ये हमारा डबल फोल्ड है, तो हमारा ये 56 इंच का कपड़ा हो गया है। और 2 इंच हमारी इसकी चौड़ाई है। इसको हमें देखिए फ्रेंड्स, इस पर किस तरीके से इसको फोल्ड करना है। देखिए इसको हम ऐसे यहाँ पे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इस पर पहले एक बार इसी तरीके से सिंपल सिंपल सिलाई लगा लीजिए, ताकि आपको ये कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करने में दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इस पर ना एक सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा कपड़ा यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा और ये हिलेगा नहीं, तो हमारी इसकी फ्रिल्स बनाने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस पर एक बार सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लिया। अब हमें इसमें देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे प्लीट डालेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे प्लीट डालनी है, ज़्यादा हमें चौड़ी चौड़ी प्लीट्स नहीं डालनी है, छोटी छोटी आधे आधे इंच की कम से कम हमें प्लीट डालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इस तरीके से प्लीट डालते हुए पूरे कपड़े पे इसी तरीके से प्लीट डाल लेंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फ्रिल डाल ली है। मैंने एक पट्टी ली थी यहाँ पे, तो उसकी हमारी थोड़ी सी जो मैंने फ्रिल डाली है यहाँ पे थोड़ी गजी गजी डाल दी, तो वो कपड़ा कम पड़ गया था। तो मैंने 56 इंच की एक नेट की जो पट्टी ली थी, वैसे मैंने एक पट्टी और ले ली। तो टोटल हमने 56 इंच और 56 इंच की 2 पट्टियों से हमने फ्रिल बना के तैयार कर लिया है। अब इसके बाद देखिए, हमें यहाँ पे ये हमारा जो ये फोल्ड साइड है, इस पर हम क्या करेंगे, इसको पहले हम यहाँ से लॉक करेंगे किनारी से इस तरीके से। इस तरीके से लॉक करने के बाद हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस पर इस तरीके से रखते हुए। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे रख के सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस पर सीधे सीधे ऐसे करके पहले सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सीधी सीधी सिलाई लगा ली है, हमारी इस पर फ्रिल कुछ इस तरीके से आ गई है। आप फ्रिल अपनी मर्जी से थोड़ी दूर दूर भी डाल सकते हैं, हल्की हल्की, और ज़्यादा पास पास भी कर सकते हैं। देखिए, और अब देखिए हमें फ्रेंड्स इस पर, ये जो हमारा कपड़ा है इस पर हमें प्लीट्स डालनी है इस तरीके से। हम ज़्यादा पास पास नहीं डालेंगे, मतलब ज़्यादा चौड़ी चौड़ी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी दूर दूर ही डालेंगे। ज़्यादा हमें पास पास वाली जो चौड़ी चौड़ी हमारी प्लीट्स होती है उस तरीके से नहीं डालना है, क्योंकि हमने प्लीट्स नीचे हमने काफ़ी ये घेरदार बना दिया। अगर ऊपर भी हमारी बहुत ज़्यादा प्लीट्स आएंगे तो ऊपर से हमारी ड्रेस काफ़ी मोटी मोटी सी हो जाएगी, कान्हा जी को पहनाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, हम देखिए इस तरीके से हल्की हल्की सी प्लीट्स डालेंगे, जिससे कि जो हमारा कमर का हिस्सा कम से कम 4.5-5 इंच के बीच में आ जाए, जिससे कि हमारे कान्हा जी के बिल्कुल ये ड्रेस फिट आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हल्की हल्की दूरी पे ये इस तरीके से हम यहाँ पे प्लीट डालेंगे।
आप इसको कमर को नाप लीजिए, 5 इंच से ज्यादा हमारी कमर का हिस्सा नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस पर प्लीट्स डाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे प्लीट डाल दी है और देखिए हमारा ड्रेस का लुक कितना अच्छा आ रहा है, ये देखिए। आप जिस पे एक बार हल्की सी प्रेस मार दीजिए तो ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब हम इसका कमर का हिस्सा देखिए फ्रेंड्स नाप लेते हैं। मैंने देखिए बहुत ही अच्छे से दूर, थोड़ी ज्यादा गहरी गहरी प्लीट्स नहीं डाली हैं, थोड़ी दूर दूर पे डाली हैं, बस हल्की हल्की हमने प्लीट्स डाली हैं। तो देखिए हमारी ये टोटल 5 इंच आ गई है। हमारी 5 इंच तक भी आएगी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 इंच से ज्यादा आएगी तो हमारी कान्हा जी की कमर थोड़ी ज्यादा हो जाएगी फ्रेंड्स। इसलिए देखिए हमें ये यहाँ पे, ये देखिए 5 इंच की हमारी कमर आ रही है, तो हमारी ड्रेस कान्हा जी के लिए बिल्कुल ठीक से आ जाएगी। तो देखिए हमारी इसका घेरा भी देखिए कितना प्यारा सा आ रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा आ रहा है। सिंपल और सोबर हमारी गर्मी के लिए कॉटन की ड्रेस बन जाएगी फ्रेंड्स, और थोड़ी सी अच्छी भी लगेगी देखने में। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए हमें देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अब चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के बाद हमें यहाँ पे देखिए 9 इंच का हमने लंबा कपड़ा ले लिया और इसकी चौड़ाई हमारी लगभग 3 इंच की है। देखिए ये हमारा जो चोली का हिस्सा है इसको हमें क्या करना है, इसको हल्का सा इधर से मोड़ेंगे, हल्का सा इधर से मोड़ेंगे। इतना करने के बाद हम इसको सिलाई लगा देंगे, ये देखिए, ये 1 इंच की हम यहाँ पे पट्टी रखेंगे। टोटल तैयार, आधा आधा इंच हम अंदर मोड़ देंगे और 1 इंच की हमारी पट्टी कंप्लीट कर लेंगे और इसमें हम फ्रिल बना लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये वाली पट्टी तैयार कर ली है, अभी हमने फ्रिल नहीं डाली है। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे किनारी किनारी पे सिलाई लगा लिया, दोनों पट्टियों पे हमने इसी तरीके से सिलाई लगाई है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, हम इसको ना पलट लेंगे जिससे कि हमारी ड्रेस में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। देखिए फ्रेंड्स ये हमें इस तरीके से पलटेंगे, आप किसी चीज की हेल्प ले सकते हैं, ये देखिए इसको हम इस तरीके से यहां से इस तरीके से हम यहां से पलटेंगे जिससे कि हमारी ये ड्रेस में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। पट्टी हमें पलटनी है, आप किसी चीज की हेल्प ले सकती हैं। देखिए मैं इसे पेचकस से पलट रही हूँ, आप चाहे तो सुई धागे से भी पलट सकते हैं जैसे हम डोरी बनाते हैं। इसे करना बहुत आसान है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पतली पतली ऐसे पट्टी बनाना या डोरी बनाना भी बता दूंगी। ये देखिए हमें इस तरीके से फ्रेंड्स पट्टी सीधी करनी है अपनी, ये हमारा कपड़ा हमने इधर से पकड़ लिया और बस हमें इसे इस तरीके से हमें यहाँ पे पलट देना है। देखिए हमारी पट्टी अभी यहाँ से ये फिनिशिंग आ जाएगी इसमें अच्छे से, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया है, ये देखिए। अब हमारी सिलाई अंदर चली गई और हमारा कपड़े में से जो धागे वागे निकलते हैं, वैसे नेट में से इतना धागा निकलता नहीं है, अब हमारा ये इस तरीके से फिनिशिंग हो गई है देखिए फ्रेंड्स। और इतना करने के बाद देखिए हमें अब क्या करना है, हम यहाँ पे इस पट्टी को ले लेंगे सीधे, अलग से फ्रिल नहीं डालेंगे, हम जल्दी काम करेंगे। इसके बाद हमें देखिए ये हम एक साइड का किनारी ले लेंगे, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरीके से पट्टी पे रख देंगे। फिर हम यहाँ से साथ के साथ इसमें फ्रिल डालते हुए जाएंगे, इससे क्या होगा हमें बार बार सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, इससे देखिए हमारी बार बार हमें सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, एक साथ ही हमारी यहाँ पे फ्रिल बन जाएगी। और हमें कुछ नहीं करना, सीधी सीधी यहाँ पे सेंटर से एक सिलाई लगानी है, देखिए इस तरीके से, ये देखिए। आप चाहते ये दोनों पट्टी बीच में से अलग भी कर सकते हैं, जैसे क्योंकि हमने यहाँ पे दो पट्टी कंप्लीट की है, इसको देखिए इधर से हम यहाँ से बीच में से कट कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर फ्रिल लगा देंगे, ये देखिए हमने इसको दो हिस्सों में कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से हम यहाँ पे प्लीट डालेंगे, ये देखिए आप इस पे कितनी भी प्लीट्स गहरी डाल सकते हैं, ये देखिए इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। मैंने जो पहले तरीका बताया था वैसे भी हम कर सकते हैं, पहले मैं किनारी पे लगाने वाली थी, मैंने सोचा आपकी सेंटर में हमें यहाँ पे फ्रिल लगानी चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम यहाँ पे ना यहाँ पे इस तरीके से फ्रिल डालते हुए सेंटर से यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे और दोनों पट्टियों को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको इसी तरीके से दोनों पट्टियों को कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी चोली का हिस्सा बनके कंप्लीट हो गया। हमने इस पे दोनों पे प्लीट डाल लिए। थोड़ा सा मेरा यहाँ पे हल्का सा चुन्नट कम रह गई है, कोई बात नहीं, हम इसे बैक साइड में कर देंगे। इसमें मैंने और कपड़ा नहीं जोड़ा है। इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक नेफा बना लेते हैं। नेफा बनाने के लिए मैंने ये 2 इंच का कपड़ा ले लिया है, और 2 इंच का कपड़ा लेने के बाद देखिए हम अपनी ड्रेस पे पीछे से इस तरीके से आधा आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा यहाँ से रखते हुए ऐसे ऐसे हम सीधे सिलाई लगा देंगे। यहाँ से देखिए नेफा बनाएंगे इस तरीके से रखते हुए, हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है कम से कम एक पैर की फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इतना पहले सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लिया है, और ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है। इसको अब हमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अंदर फोल्ड करना है, और इस तरीके से यहाँ पे नेफा बनाना है। देखिए इस तरीके से हमें नेफा बनाना है। नेफा बनाने से पहले देखिए हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके की हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे ड्रेस को हम बांधने के लिए। आप चाहे तो यही वाला नेफे वाला कपड़ा ही एक्स्ट्रा ले सकते हैं बांधने के लिए। जैसे हमने यहाँ से कट कर दिया, इतना एक्स्ट्रा लेंगे 2-3 इंच, तो हमारा ड्रेस बांधने के भी काम आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कपड़ा मोटा हो जाता है, डोरी अच्छी रहती है, सॉफ्ट रहती है बांधने में, इसलिए हम डोरी लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये इस तरीके से नेफा बनाएंगे, डोरी लगा लेंगे, और इस तरीके से डोरी रखने के बाद हमें यहाँ पे किनारे किनारे पे बिल्कुल यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डोरी आप अपनी मर्जी से जितनी लंबी रखनी है उतनी लंबी रख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से इतनी लंबी रख रखी है। हम इसे कट कर लेते हैं, नहीं तो हमें पूरा रोल लेके घूमना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से नेफा बना लेना है, सिलाई लगानी है। तो चलिए हम इतना पहले सिलाई लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नेफा बना लिया है, और हमने डोरी भी लगा दी है। देखिए हमारे ड्रेस का लुक कितना प्यारा आ रहा है। अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों पीसेस को हमें, जो चोली के हमारे दोनों पल्ले हैं इससे, इनको हमें यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए मैं इसे सिलाई लगा लेती हूँ। और सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड, हमको ये जो है यहाँ से सेंटर पॉइंट लेके यहाँ पे अपने जो दोनों चोली के हिस्से हैं इस तरीके से हम इसे यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। पहले हम इन दोनों हिस्सों को हल्का सा यहाँ पे ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से रखते हुए तिरछा सिलाई लगाएंगे यहाँ से 1/3 हिस्से पे। उसके बाद हमें ये सेंटर पॉइंट लेके यहाँ पे अपनी ड्रेस के साथ इसको इस तरीके से अटैच कर देना है। चलिए हम इतना कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चोली का हिस्सा हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है, और हमारी ड्रेस का लुक कितना अच्छा रहा। हमारी ड्रेस बिल्कुल बनके कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छा हमारा लुक आ रहा है फ्रेंड्स। हमारी ड्रेस बिल्कुल बनके कंप्लीट हो गई है। तो चलिए हम इसकी अब कैप बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कान्हाजी की कैप बनाने के लिए 6.5 इंच का बुकरम का टुकड़ा लेंगे, और ये हमारा 1/4 इंच का लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे 1/4 इंच का चौड़ाई लिया है, और 6.5 इंच की इसकी लंबाई ली है। अब हम देखिए ये जो हमारे ड्रेस का कपड़ा है, इस तरीके से हम इस कपड़े पे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से सिलेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। इससे पहले हमें क्या करना है, इसको एक आप अस्तर का कपड़ा ले लीजिए। सबसे पहले तो हम इसे कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इसको हम पहले यहाँ से सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा बचे कपड़े को कट कर देंगे। उसके बाद हम इसको इस वाले कपड़े पे रख के इसकी फिनिशिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं इसको फिनिशिंग देती हूँ। पहले इस पर चारों तरफ सिलाई लगा के एक्स्ट्रा बचे धागों को, कपड़ों को काट देती हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना कर लिया है, चारों तरफ सिलाई लगाई, और सिलाई लगाने के बाद हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा हमने कट कर दिया। अब देखिए जो हमारा ये कपड़ा है, इसको हम यहाँ से उल्टा रखेंगे, और इसे हम इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे ऐसे करके। अब हम इसे चारों तरफ से इस कपड़े को दबाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, और इसको फिनिशिंग देंगे फ्रेंड्स। तो हमारा ये इस साइड से बिल्कुल इस तरीके से क्लीन आ जाएगा, और अंदर से भी हमारा बुकरम नहीं दिखाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चारों तरफ से इस कपड़े को इस तरीके से दबाते हुए एक एक पैर की सिलाई लगा देती हूँ, जिससे कि हमारी कैप की फिनिशिंग आएगी अच्छे से। तो चलिए इतना कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये पट्टी तैयार कर ली है कैप बनाने के लिए। ये हमने बुकरम से और कपड़े से बनाई है, और इस तरीके का हम नेट का फैब्रिक लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इसको सिलाई लगा ली है। इसकी मैं आपको लंबाई बता देती हूँ कितनी ली हमने। ये हमने देखिए इसकी 15 से 16 इंच हमारी लंबाई है। 15 इंच भी लेंगे आप चलेगा। ये देखिए थोड़ा सा हमारे यहाँ से छोटा बड़ा, तो मैंने इसे बराबर कर दिया। तो इसकी हमारी 15 इंच की तो फ्रेंड्स लंबाई हो गई, और इसकी चौड़ाई देखिए हमारी कम से कम सिलाई लगाई है मैंने, इतना तो हमारा
चला जाएगा सिलाई में। तो 2.5 इंच की हमारी पट्टी हो गई है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2.5 इंच की हमारी चौड़ाई हो गई है, 15 इंच की हमारी लंबाई हो गई है। अब हम इसकी इस तरीके से प्लीट डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से प्लीट डाल के हम अपनी कैप पे लगाएंगे। हमारी कैप का लुक बहुत ही अच्छा से आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा हमारा कैप का लुक फ्रेंड्स। ये देखिए सिंपल और हमारी बहुत ही इजी ड्रेस है ये, और ये बनाने में भी आसान है फ्रेंड्स कैप, और पहनने में भी कान्हा जी को बहुत ही अच्छी लगेगी। चलिए मैं इसके प्लीट्स लगा लेती हूँ और यहाँ से इसको टक कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये टक कर लिया इस तरीके से। अब हमारा देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे पट्टी हमारी इस तरीके से हमें यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको जोड़ लेना है। आप चाहे तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन सुई धागे से ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है फ्रेंड्स। इसको बहुत ज़्यादा सिलने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए इस तरीके से सिलते हुए हमें यहाँ पे लाके से पक्का कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे कैप बन के तैयार हो गई है। देखिए हमने बुकरम से बनाई है ताकि अच्छे से हमारी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आ जाए। यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी, और सिलाई लगाने के बाद देखिए हम ये अपना सुई धागा ऊपर की साइड ले आएंगे, और ऊपर लाने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे इसको टक कर देंगे। इतना करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे यहाँ से हम अपनी सुई इस कैप में लगाएंगे, और देखिए मेरे पास कुछ मोती है यहाँ पे, इसको हम अपने सुई में डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम 5-6 मोती धागे में डाल लेंगे, और इतना करने के बाद देखिए इसको हम यहाँ पे इस तरीके से टक कर देंगे फ्रेंड्स। हमारा कैप का जो लुक है बहुत ही अच्छा आएगा इससे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैप भी बन गई है और हमारी ड्रेस भी बन के रेडी है। चलिए मैं कान्हा जी को पहना के दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे 5 नंबर के कान्हा जी हैं। ये ड्रेस आप 5 नंबर कान्हा जी को और 4 नंबर कान्हा जी को बड़ी आसानी से पहना सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी ये देखिए दोनों पट्टियों को पीछे ले जाएंगे, क्रॉस करेंगे, और फिर ये नीचे से हम घेरा हाथ के नीचे से ले जाएंगे कान्हा जी के। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें कान्हा जी को ये ड्रेस पहना देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी की ड्रेस बहुत ही अच्छे से उनको फिट आ गई है। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारे कान्हा जी के ड्रेस का। ये देखिए हमारी ड्रेस घेरदार भी है और ज़्यादा घेरदार भी नहीं है। हमने फ्रिल्स बहुत अच्छे से घेरदार बनाई है अपनी, और बहुत थोड़े कपड़े में हमारी देखिए ड्रेस बन गई है। और ये हमारे कान्हा जी की कैप है, ये लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी की ड्रेस का लुक कितना प्यारा आ रहा है। देखिए कितनी प्यारी हमारी ड्रेस आ रही है कान्हा जी की, कितनी सुंदर लग रही है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा, और एक लाइक भी कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स। मैं आपसे फिर मिलती हूँ ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।